दलितों को क्यों किसान आंदोलन से बाहर हो जाना चाहिए, ये सवाल आज बेहद अहम है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल सिंगू बॉर्डर पर जहाँ अभी किसान आंदोलन हो रहा है, वहाँ पर एक ऐसी वारदात हुई है जो किसान आंदोलन पर एक कलंक के समान है और वो इसके इतिहास में हमेशा एक कलंक बनकर रहेगी। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक व्यक्ति जिसको इस तरह से लटकाया गया है, हाथ कटा हुआ है और लिखा हुआ है दलित, यानी कि जो सिंगू बॉर्डर है वहाँ पर एक दलित व्यक्ति को, एक दलित कामगार व्यक्ति को इतनी बेरहमी से पीटा गया, उसके साथ मारपीट की गई। हैवानियत ऐसी कि तालिबानी, जो आजकल खबरें आपको मिलती होंगी कि किस तरह की वो हैवानियत और बर्बर वाली सजाएं देते हैं लोगों को, वो भी इससे किसी मामले में कम नहीं है। ये वारदात ऐसी हुई है, तालिबानी वारदात हुई है वहां पर सिंगू बॉर्डर पर। एक दलित कामगार जिसका नाम था लखबीर सिंह, उसको निहंग सिखों के ग्रुप ने इतनी बेरहमी से पीटा, इतनी हैवानियत भर तरीके से उसके साथ बर्बरता की, तस्वीरें भी हम आपको दिखा नहीं सकते, वो विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। और बर्बरता यही नहीं रुकी, उसका हाथ काट कर उसका सरेआम जो है लटका दिया गया। इतनी बर्बर हैवानियत एक दलित व्यक्ति के साथ सिंगू बॉर्डर पर की गई है। तो उसके बाद ये जो खबर सामने आई तो पता चला कि जो निहंग सिखों का जत्था है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि लखबीर सिंह नाम का जो व्यक्ति है उसने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की, और उसके खिलाफ बेअदबी करने के खिलाफ उन्होंने उसके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। और दो लोगों ने इसमें सरेंडर किया है, जिन्होंने कहा है कि हमने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन उन्हें कोई गिल्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि फिर भी कोई अगर ऐसा करेगा, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करेगा, इस तरह की कोई वारदात करेगा, तो हम जो है उसको फिर इसी तरह की सजा देंगे। और उसके जो आसपास के लोग हैं वो उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं आरोपियों की, और कह रहे हैं कि उन्होंने गुरु साहब का मान रख लिया और कोई बहुत बड़ा जैसे उन्होंने काम कर दिया हो, इस तरह की शाबाशी उनको मिल रही है। तो इस पूरे वारदात के बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या दलितों को किसान आंदोलन से बाहर हो जाना चाहिए। सबसे अहम सवाल बन जाता है, और क्यों बन जाता है, क्योंकि जिन दलितों के साथ अगर ये किसान ज़मींदार इस तरह की बर्बरता कर रहे हैं तो वो इस आंदोलन में क्यों शामिल हो। आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब भी ये बात उठी थी कि इससे दलित समाज को, बहुजन समाज को क्या हासिल होगा। उस समय बहुजन समाज के तमाम संगठनों ने सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर या फिर टीकरी बॉर्डर पर अपने पंडाल लगाए। गाजीपुर पर मैंने खुद इंटरव्यू किए दलित समाज के लोगों के, और वहाँ पर लोगों ने अपने पंडाल लगाकर इस किसान आंदोलन में अपना समर्थन जाहिर किया, न्याय यात्रा निकाली और लोगों को प्रोत्साहित किया कि इस आंदोलन में हिस्सा ले। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो आंदोलन है ये हक और इंसाफ की लड़ाई है। किसानों के हकमारी के लिए जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं उसके खिलाफ लोगों को लामबंद करने के लिए दलित समाज, बहुजन समाज ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया और इसका समर्थन किया, जबकि दलितों के पास हरियाणा और पंजाब में खेती करने लायक ज़मीन नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा में करीब करीब 28% दलितों की आबादी है और पंजाब में 32% दलितों की आबादी है, लेकिन 1% दलितों के पास भी हरियाणा और पंजाब में खेती की ज़मीन नहीं है। मैं खुद हरियाणा से हूं और मेरे किसी जानने वाले दलित परिवार के पास वहां पर खेती करने की ज़मीन नहीं है। वहां पर पंजाब में भी ऐसे ही हालात हैं। कुछ आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि 6% दलितों के पास कृषि योग्य भूमि है, लेकिन वो बहुत कागजी है। हकीकत में जो हक है जिस पर वो खेती करते हैं उस पर वो दावा दलितों का वहाँ नहीं है, और 1% से भी कम लोगों के पास में कृषि योग्य ज़मीन है, खेती करने लायक ज़मीन है। तो दलित समाज वहाँ पर दरअसल खेतीहर मजदूर है जो इन ज़मींदारों किसानों के खेतों में काम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, वो खेतीहर मजदूर है। बावजूद उसके उन्होंने इस कृषि कानूनों के खिलाफ में किसान आंदोलन का समर्थन किया कि भाई ये न्याय की लड़ाई है, हकमारी के खिलाफ जब देश का अन्नदाता अगर सड़क पर आया है तो हमें उसका साथ देना होगा। उन्होंने भाईचारे, हमदर्दी और न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए इस आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की वारदातों का होना ये किसान आंदोलन पर एक ऐसा कलंक है जिसको कभी भी नहीं धुला पाएंगे ये लोग। और इसमें जो एक निराश करने वाली बात है वो ये है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने इस घटना की निंदा की और कह दिया कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, निहंग सिखों का जो जत्था है और उन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है, किसान आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये कहकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया।
सोचे इतनी बड़ी वारदात हुई है, एक व्यक्ति की जान इतनी बर्बर तरीके से ली गई है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने उन निहंग सिखों को उनको बॉयकॉट करने का, उनको वहाँ से हटाने का, उनको वहाँ से चले जाने का और उनको कानूनी कार्रवाई के लिए वहाँ पर उस पर ये कहना कि आपको जेल जाना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी नहीं हुई है, इस तरह की बातें नहीं की गई हैं। ना ही राकेश टिकैत ने कोई इस बारे में बयान दिया, उन्होंने कहा कि वहाँ सरहद पर भी तो जवान मर रहे हैं, सरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे देती है, इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस मसले पर, एक दलित की जान चले जाने पर, उसके साथ इतनी बर्बरता होने पर कोई बहुत ही अच्छा संवेदनशील बयान किसानों संगठनों की तरफ से नहीं आया, तो ये एक निराश करने वाली बात है। इस बर्बरता के खिलाफ उन्हें लामबंद होना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि हम जो हैं दलित समाज के साथ खड़े हैं, जिस तरह से दलित समाज इस पूरे आंदोलन में हमारे साथ खड़ा रहा, और हम जो हैं इसकी इसके जो दोषी हैं उनको खुद जो हैं पुलिस के पास ले जाएंगे और उसको सजा दिलवाएंगे, और उनको संगठन की तरफ से, आंदोलन की तरफ से, उस धरना स्थल आंदोलन स्थल से हमेशा के लिए भगा देना चाहिए, ऐसे लोगों को, ऐसे धार्मिक कट्टरपंथी लोगों को वहाँ पर रहने नहीं देना चाहिए, ये स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। किसान संगठनों के इस रवैये से मुझे पर्सनली निराशा हुई है, क्योंकि हम मैंने बहुत इसमें पहले दिन से ही रिपोर्टिंग किया, चाहे गाजीपुर में रात में जब राकेश टिकैत पर वो रोए और उसके बाद वहाँ पर यूपी पुलिस किस तरह से रात में उनको हटाने वाली थी, खदेड़ने वाली थी, मैं पूरी रात मैं और मेरी टीम वहाँ पर रहे थे, हमने उसको रात लाइव करके कवर किया, कई रात मैंने गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर बिताई, बहुत सारी खबरें की, दिन भर में भी बहुत सारी खबरें की, और लगातार हम किसानों की आवाज़ उठाने की कोशिश करते रहे। बहुजन मीडिया ने इसको बहुत प्राथमिकता दी, क्योंकि गोदी मीडिया जिस तरह से किसानों को लेके एक नफरत फैला रहा था, उसके मुकाबले में बहुजन मीडिया ने किसान आंदोलन को बहुत प्रमुखता से उठाया, उनकी आवाज़ बने और उनके इस आंदोलन को एक तरीके का कामयाब आंदोलन बनने में मदद की। और बहुजन समाज के तमाम संगठनों ने भी, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो या फिर जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, उन्होंने भी इसमें शिरकत की और इस आंदोलन को सफल बनाने में योगदान दिया, लेकिन बावजूद उसके इस तरह से ये एक दलित के साथ वहाँ होना और उसके बाद इस तरह का रवैया आना, ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इस आंदोलन से दलित समाज को, बहुजन समाज को कुछ हासिल हुआ है क्या। दलित संगठनों ने इसमें इसलिए भी विरोध में वो शामिल हुए क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो वर्तमान मोदी सरकार है, जो कि एक तरीके की एक बहुत ही क्रूर शासन व्यवस्था जो चला रही है, बहुजन के विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, और जो हिंदू राष्ट्र का सपना लेके चल रही है और बहुजनों की अकमारी करती है, उसके खिलाफ एक जन आंदोलन हुआ है, किसान आंदोलन हुआ है, उसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए, अपनी हिस्सेदारी देनी चाहिए, इसलिए भी बहुत सारे बहुजन संगठन इसमें शामिल हुए। लेकिन इसके बरक्स क्या जो किसान संगठन है या जो किसान वहाँ जमींदार जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या उनके अंदर सामाजिक चेतना आई, क्या उनके अंदर समानता आई, अब उन्होंने क्या हरियाणा पंजाब में या फिर वेस्टर्न यूपी में दलितों के ऊपर इस तरह के अत्याचार करना बंद कर दिया है। लगातार ऐसी खबरें आती हैं, चाहे वो पंजाब हो कि किस तरह से वहाँ पर खेती में मजदूरी को लेकर या फिर किसी फसल का कोई हिस्सा लेने को लेकर या फिर खेत में किसी दलित बच्चे के घुस जाने को लेकर किस तरह की बर्बर वारदातें अभी भी पंजाब में हुई है, करने वाले यही जमींदार किसान लोग हैं। हरियाणा में अभी आपको याद होगा जींद में उचाना कला है, वहाँ के दो गांव हैं खापड़ और छतर, इन दोनों गांव में दलित बस्ती का, पूरी की पूरी दलित बस्ती का जाटों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया है, हुक्का पानी बंद कर दिया है पिछले काफ़ी हफ्तों से, और उनको गांव छोड़ना पड़ रहा है दलितों को, इतनी बुरी हालत है। डर है उचाना कला, जहां से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी बर्बर तरीके की हालत है, वहां पर इतना खौफ है कि लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या इन किसान संगठनों को, इन किसान नेताओं को, वहाँ के जाट नेताओं को उन दलितों का साथ नहीं देना चाहिए था, अपने लोगों को ये नहीं समझाना चाहिए था कि ये साथ दे रहे हैं किसान आंदोलन में, ये हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं, हमें इनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये जातिवादी रवैया नहीं अपनाना चाहिए, क्या ये जिम्मेदारी किसानों की, किसान नेताओं की, संगठनों की नहीं थी, लेकिन हमें
इस पूरे मसले पर और जाति के सवाल पर जब हम इस पूरे आंदोलन को कसते हैं, देखते हैं, तो ये हमें ऐसा महसूस होता है कि जाति के मसले पर वही हालात हैं जो कि बाकी जगह हैं, चाहे वो किसान ज़मींदार हों, जाट किसान हों, जो दूसरे अपने आप को बहुत ही प्राउडली अपनी जाति को लेके वहाँ पर अपने उसको शोकेस करते हैं, वो भी फ्यूडल माइंडसेट के हैं, सामंती विचारधारा के हैं, जातिवादी हैं, और वहाँ सबसे ज़्यादा शोषण कौन कर रहे हैं दलितों का, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके ऊपर कौन शोषण वहाँ पर कर रहा है, क्यों उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि वो भी उसी ब्राह्मणवादी कदमों पर चल रहे हैं जिसका विरोध बहुजन समाज करता है, जिस सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर ये जातियाँ इनके जो लोग हैं वो क्यों नहीं अपने आप को ले जा पाते हैं, वो इतने प्रोग्रेसिव क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसान संगठनों की बनती है, वो अपना पल्ला ये कहकर नहीं झाड़ सकते कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर दलित समाज ने आपका साथ दिया है तो आपको भी उनका साथ देना चाहिए। मुझे याद है जब मैं गाजीपुर बॉर्डर गया था तो मैंने वहां पर एक दलित संगठन के आदमी से ये सवाल पूछा था कि जब एससी एसटी आंदोलन हुआ था तो उस समय तो ये लोग आपके साथ नहीं आए थे, आप क्यों आए हैं इनके साथ में, और कल को अगर आप आरक्षण बचाने के लिए या एससी एसटी आंदोलन इस तरह का कोई आंदोलन करते हैं तो ये लोग फिर से आपका विरोध करेंगे। तब उन महाशय ने मुझे कहा था कि ये सब लोग हमारे भाई हैं और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चक्करव्यूह में फंसे हुए हैं, ये उसके मोहरे हैं और हमें इन्हें उससे बाहर निकालना है, इसलिए हम इनका समर्थन कर रहे हैं। तो देखिए, बहुजन समाज ने, बहुजन संगठनों ने इस कदर किसान आंदोलन को समर्थन दिया, इस कदर उनको भरोसा दिया कि हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में, लेकिन उसके उलट हो रहा है। ये तकलीफ देह तस्वीरें इतनी भयानक है कि रात भर हम लोग बहुत परेशान हुए इस चीज़ को लेकर कि ये हमारे लोगों के साथ किस तरह से वहाँ पर हो रहा है। आंदोलन हो रहा है, बहुत सही चीज़ है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन क्या वो हमारी लाशों के ऊपर होगा? क्या दलितों की लाशों को इस तरह से लटका कर आंदोलन किया जाएगा? ये तालिबानी बर्बर जो तरीका है, वो धार्मिक कट्टरपंथी जो चीज़ है, उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हम गाय के नाम पर लिंचिंग का विरोध करते हैं तो हम इस तरह से किसी भी धार्मिक पुस्तक या गुरु साहब के नाम पर इस तरह से बर्बरता को भी हम जायज़ नहीं ठहरा सकते। और गुरु साहब ने क्या बोला था, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। गुरु साहब ने जो गुरु नानक है उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में नानक ने जो है कबीर की, रविदास की, बुद्ध की जो वाणी ली है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये सब जो लोग हैं वो एक ही कुदरत की संतानें हैं, एक ही नूर से सब लोग आए हैं, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। तो जो गुरु साहब की वाणी है उसका भी सम्मान क्या ये लोग उस तरह से नहीं कर रहे हैं? सिखिज़म में जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं, जिस तरह से हिंदुओं में जाति व्यवस्था बुनियाद है हिंदू धर्म की, उनके धार्मिक ग्रंथों में इस बात को लिखा हुआ है कि जाति चतुर्वर्ण बना रहे, उस तरह से सिख धर्म में नहीं है। और एक तरह का विद्रोह था वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ में गुरु नानक का और उनके अनुयायियों का। उस धर्म में भी, सिखिज़म में बहुत सारे लोग जातिवादी तरीके से रहते हैं, वहाँ पर जो जो चमार जाति के जो लोग जिन्होंने सिख धर्म को अपनाया उन्हें रविदास या रामदासिया कहा गया, जो भंगी समुदाय के लोग सिख बने उन्हें मजहबी सिख कहा गया। तो उन लोगों को अभी भी बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे तो गुरुद्वारों में एंट्री नहीं मिलती है, उनके साथ सामाजिक भेदभाव होता है, कोई उनके साथ में रोटी बेटी का संबंध नहीं होता है, और एक तरीके से सामाजिक जो जातीय की दीवार है वो वहाँ पर अभी भी है। तो वहाँ पर कोई उस तरह की बहुत ज़्यादा समानता भी नहीं आई है। तो गुरु साहब के जो ग्रंथ पे जिसको प्रोटेक्शन में इन लोगों ने एक व्यक्ति की जान ले ली, उसमें जो ज्ञान, उसमें जो वाणी लिखी हुई है, जो संदेश लिखा हुआ है, क्या आप उसको मान रहे हैं? क्या आपने जाति को छोड़ दिया? सिखिज़म में तो जात नहीं है, सिखिज़म में भाईचारे और मोहब्बत का संदेश है, मानवता का संदेश है। आप हज़ारों लाखों लंगर लगाएं लेकिन ये किए, इस तरह की तस्वीर आपके उन हज़ारों लाखों लंगरों पर एक कलंक साबित हो जाती है। ये बहुत ही अहम सवाल हो जाता है उस मानवता पर जो लोग वाणी स्वार्थ सेवा कर रहे हैं, उस पर भी इस तरह के लोगों ने कलंक लगाया है। तो इसमें ज़रूरी है कि हम जो दलित संगठन हैं वो इस आंदोलन से बाहर हो जाएं और नैतिक समर्थन देते रहें इस आंदोलन को, और लेकिन इस पर अपनी जान नहीं गंवाएं, क्योंकि जब जाति के इर्द गिर्द इस आंदोलन को आप कसेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई उस तरह का सामाजिक न्याय या फिर बराबरी की जो हमारी लड़ाई है उसमें इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब ज़रा सोचिए कि हरियाणा, पंजाब में
बहुत कम लोगों के पास कृषि की खेती है, ज़मीन है। अगर वहाँ की सरकार ये फैसला करे कि हम जो खेती बाड़ी की जो ज़मीन है उसका पुनर्वितरण करेंगे, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और वहाँ पर दलितों को भी बहुजनों को भी जो हैं अपनी ज़मीन देंगे किसान की तरह की वो खेती कर सके, खेती की ज़मीन उनको मिलेगी, तो सोचिए कि सबसे ज़्यादा विरोध उनका कौन करेगा, वो कौन होगा जो इस आंदोलन का कि दलितों को ज़मीन मिले उसका सबसे बड़ा विरोध करेगा, वो वही ज़मींदार किसान होंगे। तो ये एक तरीके का ज़मींदार आंदोलन है। कुछ लोग कहेंगे कि ये सरकार ने जानबूझकर करवाया है ताकि किसान आंदोलन कमज़ोर हो सके। उनकी बात सही हो सकती है, सरकार लगातार किसान विरोधी काम करती है और इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करती रही है, लेकिन इतने महीनों में आप देखें कि दलित समाज लगातार वहाँ पर बना रहा, उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। तो अब जब इतनी बड़ी वारदात हुई है तो क्या किसान संगठनों का, नेताओं का बहुत ही मजबूती के साथ दलित समाज के साथ खड़ा होने का ये पल नहीं था? क्या उन्हें इतनी मजबूती के साथ ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था कि ऐसे धार्मिक कट्टरपंथियों के लिए हमारे आंदोलन स्थल पर कोई जगह नहीं और उनको वहाँ से भगा देना चाहिए था, और इस व्यक्ति के लिए, इन ऐसे संगठनों के लिए उन्हें सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और उन लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए कि हम भी आपके लड़ाई में साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इससे हमें निराशा हुई। तो मुझे लगता है कि दलितों को किसान आंदोलन से फिलहाल बाहर हो जाना चाहिए और इस आंदोलन को नैतिक समर्थन देते रहिए, लेकिन अपनी जान मत गंवाइए इनके पीछे। इस तरह से अपनी जान गंवाने का कोई फायदा नहीं है कि क्योंकि जब जाति का सवाल आएगा तो हो सकता है कि यही लोग हमारी विरोध में हो, हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई के विरोध में हो। तो मुझे कुल मिलाकर इस तस्वीर से, इस वीडियो से बेहद परेशानी हुई है और मैं बहुत आहत हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि हमने बहुत ही शिद्दत से, बहुत मेहनत से किसान आंदोलन को समर्थन दिया, लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह के वारदातें सामने आ रही हैं तो ये हमें परेशान करता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, वो भी कमेंट में बताइए, ज़रा लिखिए, मैं पढ़ूँ कि मैं परेशान हूँ या मैं अलग सोच रहा हूँ। आप लोग, हमारे दर्शक, बहुजन समाज इस बारे में क्या सोचता है, आप भी अपनी राय दीजिए और इसको, वीडियो को शेयर करें। आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं।